आपको पता है कि आज क्या तारीख है? आज 27 तारीख है और आज हमारे जेब्रा फिंच के अंडों में से बच्चे निकलने का दिन है। रात को मैं यही सोच सोच के सो गया कि सुबह जब मैं उठूंगा तो जेब्रा फिंच के अंडों में से बच्चे निकले हुए होंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि दोस्तों जेब्रा फिंच के अंडों को आए हुए पूरे 14 दिन हो गए हैं, ऊपर भी हो सकते हैं दोस्तों। तो रात को मैं यहीं सोचते सोचते सो गया कि सुबह जब उठूँगा तो मुझे इंशाल्लाह गुड न्यूज़ मिलेगी। तो दोस्तों, अभी मेरी आँख खुली है और अब हम चलते हैं अपने जेब्रा फिंच के पास और देखते हैं कि क्या बच्चे निकले हुए हैं या नहीं निकले हुए। तो चलें दोस्तों। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर केज में मैं आ चुका हूँ और मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ दोस्तों। लेकिन खुशी के साथ साथ मुझे डर ये भी है कि अल्लाह करे कि हमारी जेब्रा फिंच अपने बच्चों को फीड कराना शुरू कर दे, मतलब कोई मसला ना हो उनको फीडिंग में। क्योंकि पिछली दफ़ा आपको पता है दोस्तों कि क्या किया था जेब्रा फिंचेस ने, अपने बच्चों को खुराक नहीं दी थी, मतलब फीडिंग नहीं कराई थी। तो मैं बार बार उनको उठाता था और मैं खुद उनको फीड कराता था दोस्तों। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं जेब्रा फिंचेस के बच्चों को टच नहीं करूंगा, क्योंकि उस वीडियो के नीचे काफ़ी कमेंट्स आते थे कि भाई आप जेब्रा फिंचेस के बच्चों को टच करते हैं जिसकी वजह से उनको जेब्रा फिंच ने छोड़ दिया है फीड कराना। तो इस वजह से दोस्तों मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ दूर से देखूंगा और उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा दोस्तों, ये ना हो कि डर की वजह से फिर माँ अपने बच्चे छोड़ दे। तो दोस्तों मैं ये खुराक रख देता हूँ फिंचेस के लिए, दरअसल ये एक्सेल है और बाकी ये मैंने अंडा रखा हुआ है, तो ये सॉफ्ट फूड है, अपने बच्चों को जेब्रा फिंच खिलाएगी। चलें दोस्तों देखते हैं अब ये कितना बच्चे आए हुए हैं और जेब्रा फिंच बैठी भी हुई है या नहीं बैठी हुई। तो देखता हूँ दोस्तों मैं। ये यार मेरे ख्याल में नहीं बैठी हुई है माँ, अंदर अंदर नहीं है क्या? अच्छा, मैं चाह रहा हूँ दोस्तों कि जेब्रा फिंच अपनी मर्जी से बाहर अगर आई हुई है तो मैं फिर इनको देखूंगा। अगर मैं अचानक से अपना हाथ अंदर डालूंगा तो फिर क्या होगा कि जेब्रा फिंच डर की वजह से बाहर निकलेगी और मुझे डर लग रहा है कि ये ना हो कि फिर जेब्रा फिंच अपने बच्चों को छोड़ दे, अपना घर छोड़ दे। तो मैं चाह रहा हूँ कि जेब्रा फिंच अपनी मर्जी से बाहर निकले। तो मैं दरअसल वेट करता हूँ दोस्तों, शायद वो हमारी इस तरह से ज़ोर ज़ोर से बोलने की वजह से बाहर निकल आए, फिर हम देखेंगे बच्चे। तो पहले मैं आपको एक और चीज़ दोस्तों आपसे शेयर कर दूँ मैं कि हमारे जो डायमंड डब्स हैं दोस्तों, वो क्या सीन है उनके साथ कि वो अंडे नहीं दे रहे। एक तो मुझे लग रहा था कि पेयर है डायमंड डब्स का, लेकिन वो पेयर अभी तक दोस्तों उसने अंडे नहीं दिए। और उनका घोंसला भी मैंने आपको दोस्तों दिखाया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि डायमंड डब ने घोंसला बना लिया अपना। लेकिन दोस्तों ये देखें, ये घोंसला डायमंड डब ने दोस्तों छोड़ दिया है, बिल्कुल यहाँ नहीं आती। पहले तो तकरीबन हफ्ता पूरा यहाँ पर बैठी रही, लेकिन फिर इसने ये घोंसला छोड़ दिया है और उसने अंडा वगैरह कुछ भी, मतलब अंडे नहीं दिए। मुझे दोस्तों जहां तक लगता है कि डायमंड डब्स सारे के सारे मेल्स हैं, फीमेल डायमंड डब्स दोस्तों हमारे पास मेरे ख्याल में नहीं है, जिसकी वजह से अंडे नहीं आ रहे हमारे डायमंड डब्स के। तो मैं सोच रहा हूं कि ये जो हमारे पास डायमंड डब्स हैं, तीन है हमारे पास, मैं तीन फीमेल्स लेके आऊं, कन्फर्म फीमेल्स डायमंड डब्स की। तो वो भी दोस्तों इंशाल्लाह मैं जल्दी लेकर आऊंगा। और देखे सामने बैठे हुए हैं हमारे दोनों मेल, दोनों व्हाइट मेल हैं दोस्तों, हमने एक व्हाइट मेल के लिए फीमेल भी लेकर आनी है। और ये हमारी गोल्डन फिंचेस, अभी तक इन्होंने अंडे नहीं दिए दोस्तों। नेस्ट तो इन्होंने बना लिया लेकिन अंडे नहीं दे रहे अभी तक।
तो अब हम चलते हैं अपनी ज़ेब्रा फिंच के पास और देखते हैं कि क्या सीन है। यार बाहर ही निकल रही, मैं इतना ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हूँ लेकिन ज़ेब्रा फिंच बाहर नहीं आ रही। थोड़ा सा हाथ दिखाऊं, मैं देखें दोस्तों, मदर ज़ेब्रा फिंच बैठी हुई थी ये वाली। तो चलें दोस्तों, अब हम देखते हैं और आपको भी दिखाता हूँ मैं कि ज़ेब्रा फिंच के कितने बच्चे आ चुके हैं। और मैं चेयर रख दूँ यहाँ पर ऐसे, दोस्तों ये देखें, हम देखने लगे हैं अब बच्चे। ये फोकस नहीं कर रहा यार, फोकस कर रहे, ज़ूम करो थोड़ा सा अंदर। तो दोस्तों ज़ेब्रा फिंच के जो बच्चे हैं वो नेस्ट के बिल्कुल कोने में हैं और कैमरे में वो नहीं आ पा रहे, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनको एक दफ़ा उठा लूँ और आपको दिखा लूँ कि ज़ेब्रा फिंच के बच्चे आ गए हैं। एक दफ़ा दोस्तों उठाऊँगा, फिर हम ज़ेब्रा फिंच के बच्चों को नहीं उठाएंगे। और उसकी माँ दोस्तों देखें खाना खाने में मसरूफ़ है और देखें ये एक्सेल वगैरह सारा कुछ खा रही हैं और अंडा भी दोस्तों खा रही थी ये जो मदर ज़ेब्रा फिंच है, तो ये फिर अपने बच्चों को देगी। तो अभी दोस्तों ये मसरूफ़ है, हम आहिस्ता से ध्यान से बच्चों को उठाते हैं और वापस रख देंगे, इनको पता ना चले कि हमने इनके बच्चों को टच किया है। तो जल्दी से दोस्तों मैं उठाता हूँ। ये तीन बच्चे मैंने उठा लिए हैं और बाकी भी मेरे ख्याल में नेस्ट में हैं, तो मैं आपको बाकी भी दिखाता हूँ। और अभी एक अंडा भी मेरे हाथ में आ गया। तो दोस्तों ये देखें, ये हैच हो रहा है ये अंडा भी माशाल्लाह से। और मैं देखता हूँ दोस्तों कि और बच्चे कितना आए हुए हैं, 6 अंडे थे टोटल, देखता हूँ और बच्चे कितना नेस्ट में पड़े हैं। और देखें ये देखें दोस्तों, ये फीड भी मतलब ज़ेब्रा फिंचेस करा रही हैं। ये देखें इनकी थैली, देखें खुराक वाली माशाल्लाह से। तो दोस्तों ये मैं वापस रखता हूँ और देखता हूँ दोस्तों, मेरे ख्याल में 2 बच्चे और हैं, 2 हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये भी माशाल्लाह से फीड माशाल्लाह से ज़ेब्रा फिंचेस दोस्तों करा रही हैं अपने बच्चों को। तो ये भी है और 4 बच्चे मैंने उठाए हुए हैं, 4, बाकी 1 अंडा पड़ा हुआ है बस। ये पहली और आखिरी दफ़ा था दोस्तों, फिर मैं इनको कभी टच नहीं करूँगा। तो जल्दी से मैं दोस्तों रख रहा हूँ मैं, और ज़ेब्रा फिंचेस मुझे लगता है कि दोस्तों इनको अब पाल लेंगे, क्योंकि इनकी खुराक वाली थैलियाँ माशाल्लाह से फुल थी, तो टेंशन वाली बात अब नहीं है। और जी ये मैं रख रहा हूँ बच्चे, मैंने अंडा भी रख दिया है और उस उनके बच्चे भी दोस्तों मैंने रख दिए हैं, और मैं नेस्ट को बना रहा हूँ वापस। तो दोस्तों देखा था आपने ज़ेब्रा फिंच के माशाल्लाह से 4 बच्चे आए हुए थे और 1 अंडे में से बच्चा हैच हो रहा था अभी, और 1 अंडा पड़ा हुआ था अंदर नेस्ट के अंदर, उसको मैंने नहीं उठाया। तो बस दोस्तों हमें तसल्ली हो गई है कि माशाल्लाह से 5 बच्चे तो ज़ेब्रा फिंच के आ गए हैं। और वो देखें दोस्तों हमारी गुइना फॉल, अब चुप हो गए दोस्तों। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बस दुआ कीजिएगा कि ज़ेब्रा फिंच अपने बच्चों को पाले, कोई मसला ना हो, खुराक उनको टाइम पर दे, नहीं तो यार अजीब सा मुझे लगेगा कि। लेकिन दोस्तों तसल्ली है मुझे, क्योंकि मैंने अभी उनकी थैलियाँ देखी है ना, उनके अंदर खुराक थी, मतलब ज़ेब्रा फिंचेस अपने बच्चों को पाल रही हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल शहर मिजाज को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।